मैंने एक मैजिशियन को बुलाया, वो मेरा जो जिस मैजिशियन को बुलाया मैंने, वो मेरी बहन को बात कर रहा था। हो रहा था वो क्या था, एक भाई बहन का बहुत ही अच्छा वाला इक्वेशन देखा हमने, चलो सबने का बताया। हाँ मतलब अभी और आलिया का रिलेशनशिप है ही ऐसा, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, भले ही आलिया कभी कभी अभी को हर्ट कर जाती है, लेकिन ठीक है अभी खून है हर्ट कर जाती है, लेकिन आज जो है अभी को बुरा लगता है कि आलिया जिससे प्यार करती थी तो उसी की शादी क्या क्या की बहन से हो रही है, तो अभी समझता है कि अगर कोई भी सिचुएशन में हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो अभी थोड़ा सिंपैथेटिक है आलिया को लेकर, इसलिए आलिया को समझा रहा था कि मतलब everything passes in time, so even this shall pass. नहीं, कुमकुम भाग्य के हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ तो twists and turns आते रहते हैं, क्या इस बुलबुल के इस फंक्शन में भी कुछ होने वाला है? हाँ, आज मेरे ख्याल से हम जल्दी पैकअप करेंगे, आज देखना, आज हम 8 बजे तक पैकअप कर जाएंगे। पक्का? पक्का। और हमने सुना कुछ सरप्राइज भी प्लान किया है आपने आपकी बहन के लिए। मैंने एक मैजिशियन को बुलाया, वो मेरा जो जिस मैजिशियन को बुलाया मैंने, वो मेरी बहन को बात कर रहा था। मतलब अभी कभी सीरियस नहीं हो सकता? अभी हो सकता है, या शब्बीर कभी सीरियस नहीं हो सकता? शब्बीर सीरियस हो सकता है, अभी मुश्किल है अभी को सीरियस होना। इतने घुस गए आप कैरेक्टर में बहुत ज्यादा। आप एक गाड़ी खरीदना चाहेंगे? ओके, प्रज्ञा की बात करें तो अभी और प्रज्ञा का फिलहाल क्या क्या चल रहा है? एनी प्लान्स टू अभी तो अभी और प्रज्ञा का रिलेशनशिप एक बहुत अच्छे मोड पर है, अच्छे सीन्स आ रहे हैं जहाँ पर, क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के बीच में। हाँ ये है कि अभी को लगता है कि प्रज्ञा जो है वो थोड़ी ओल्ड फैशन है और ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी को ये भी लगता है कि उसका दिल जो है बहुत स्वीट है, बहुत जेन्युइन है, तो अभी को उनकी जो सिंप्लिसिटी है बहुत अच्छी लगती है, और दूसरी तरफ प्रज्ञा को जो प्रज्ञा जो है उसे अभी से प्यार हो गया, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक तरफ प्यार है दूसरी तरफ एक लाइकिंग है, लेकिन डिसलाइकिंग भी है, डिसलाइकिंग नहीं कह सकते उसे, एक ये है कि मतलब उसे परेशान करना बहुत पसंद करता है, पसंद आता है अभी को, तो बहुत अच्छे पोजीशन पर है दोनों कैरेक्टर्स, जहाँ पर अच्छे सीन्स बनकर आ सकते हैं दोनों के बीच में। नो बी विल बी आउट दिस शो इज फॉर एवरीवन टू कम इन, इसलिए जिसे भागना तो भाग गया, अब सिर्फ कुमकुम बचा है, कुमकुम भाग गया। अभी अभी की लाइफ से तनु का क्या क्या कनेक्शन होगा अब? पता नहीं क्या कनेक्शन होगा अभी की लाइफ से, किसी का क्या कनेक्शन होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये तो आपको राइटर्स ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल अच्छा कनेक्शन है। राइट, जाते जाते कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे बुलबुल के इस पूरी शादी वाले तामझाम में, क्या कुछ कुछ ट्विस्ट आने वाला है, क्या होगा? हाँ, बुलबुल की जो शादी है वो होगी या नहीं होगी ये पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी शादी हो जाए पूरब के साथ, लेकिन क्योंकि ये कुमकुम भाग्य है पता नहीं वो शादी होगी या नहीं होगी, एंड वक्त पर ताइजी अगर बुलबुल से शादी ना कर बैठे तो कुछ भी हो सकता है, पर कोशिश जारी है क्योंकि हम जानते हैं लोगों को बुलबुल और पूरब की जोड़ी बहुत पसंद है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को वो दे सकें, लेकिन आलिया ताइजी मिताली भाभी तन्नु क्या ये सब होने देंगे, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कुमकुम भाग्य, थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट, थैंक यू फॉर गिविंग अस द नंबर्स दैट वी वांटेड टू गेट, एंड फील्स गुड टू बी लव्ड, एंड स्पेशली जिस तरीके से आप लोगों ने इस शो को सराहा है, प्यार दिया है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर उम्मीद पर खरे उतरे।